ओके तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्टाइलिंग टिप्स फॉर स्किनी गाइस, पतले लोगों के लिए फैशन कैसा होना चाहिए। तो उसको काफी अच्छा आपका रिस्पांस भी रहा, लेकिन जो मेरे जो मोटे भाई है उनके लिए क्या, तो ये वीडियो उनके लिए। सबसे पहले बात करते हैं कलर। अगर आप मोटे हो तो आपको कौन से कलर यूज करने चाहिए। देखें, डार्क कलर है जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि डार्क कलर ऐसे इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपका आपके बॉडी का शेप नहीं, बॉडी का माइनस होता है। इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपका फिजिक जो होता है ओरिजिनल को काफी हद तक हाइड कर देता है डार्क कलर। नंबर दो की बात आती है पैटर्न्स। आपको कैसे पैटर्न चूज करने चाहिए। देखिए, जो वर्टिकल स्ट्रिप्स वाला पैटर्न है आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप्स वाला जो पैटर्न होता है वो इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप ज्यादा लंबे दिख रहे हो, ना कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होने पर आप ज्यादा फैट लोगे, इसलिए वर्टिकल। तो पैटर्न आता है बॉक्स, क्योंकि ये भी ऐसा ही होता है जो इल्यूजन क्रिएट करता है, और आदमी का जो फिजिक है एक्चुअली फिजिक को जल्दी समझ नहीं आता। नंबर तीन का पैटर्न आता है मिनिमल डिजाइन। ज्यादातर गाइस ये गलती करते हैं कि मिनिमल डिजाइन नहीं लेते, और काफी मतलब रणवीर सिंह वाला डिजाइन ले लेते, लेकिन आप मिनिमल डिजाइन लीजिएगा। आपको कैसी कॉलर चूज करनी चाहिए। आपको वी कॉलर चूज करनी चाहिए, क्योंकि वी कॉलर जो होता है इल्यूजन क्रिएट करता है, और जो आपकी नेक है वो ज्यादा लंबा दिखाता है, और इसकी वजह से आप ज्यादा फैट नहीं लगते। नंबर चार पर आता है स्लीव्स। आपकी शर्ट की स्लीव्स कैसे होनी चाहिए। हम गाइस ये गलती करते हैं कि जो स्लीव्स होते हैं उनके वो आगे रखते, फुल स्लीव्स रखते, क्योंकि उनको जो फैट वगैरह होता है हाथ पर उनके वो छुपाने के लिए। लेकिन आप खुद की मतलब इनसिक्योरिटीज ना बनाए इस चीजों को। अगर आप कोई भी शर्ट वगैरह परचेस कर रहे हो उसकी स्लीव्स फुल होनी चाहिए, और फुल होने के बाद आप ऐसे पीछे उसको स्लीव्स आराम से रोल अप कर सकते हैं, नहीं तो कैजुअल शर्ट हो तो उसे रोल भी कर सकते हैं, और काफी क्लासी मतलब हो गया। नंबर पांचवी बात आती है फिट। 101% आप ये गलती करते होगे कि सोचते होगे कि मैं फैट हूँ तो मुझे थोड़े बैगी स्टाइल वाले कपड़े चूज करने चाहिए। वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा बैगी स्टाइल वाले कपड़े पहनूंगा तो मेरा जो फैट है वो बैगी स्टाइल की वजह से छुप जाएगा, लेकिन आप सबसे चोमू दिख रहे होते हो। सच बता रहा हूँ, अगर आपको फैट है कोई दिक्कत है, लेकिन आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा। आपका परफेक्ट फिट नहीं पहनोगे तो आप काफी चोमू लग सकते हो, इसलिए जो भी आपका परफेक्ट फिट है वो इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और लास्ट में कुछ ऐसी बातें जो आपको अवॉइड करनी होगी। फॉन्ट कलर, आपको डार्क कलर ही चूज करने। अगर आपने लाइट कलर चूज किए तो आप ज्यादा फैट दिख सकते हो। नंबर टू पैटर्न, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला पैटर्न लेना नहीं तो आप ज्यादा फैट दिख सकते हो। कॉलर, आपको राउंड कॉलर अवॉइड करना होगा, क्योंकि राउंड कॉलर से आप यहाँ पर भी राउंड और आपकी तोंद भी राउंड हो जाएगी। नंबर चार स्लीव्स, आपको हाफ स्लीव्स लेना नहीं है, आपको फुल स्लीव्स ही शर्ट लेना होगा। और नंबर पांच फिटिंग, बैगी स्टाइल अवॉइड कीजिए और काफी क्लासी लगोगे आप, सच बता रहा हूँ। और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट जो आपको जो आपका लुक है पूरा वो उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। सबसे पहले बात आती है शूज की। आप शूज कौन से इस्तेमाल कीजिए। बूट्स जो फ्लैट सोल वाले होते हैं मतलब स्नीकर, वो आप इस्तेमाल ना कीजिए। जो बूट्स होते हैं आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बूट्स ऐसा एक औजार है आपके लिए जो आपकी पूरी लुक को कवर करेगा, और काफी अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेगी आपको। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर हाँ तो एक लाइक जरूर कीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर मंडे वेनेसडे और फ्राइडे को हर शाम 6 बजे न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। आपको कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया के लिंक नीचे दी हुई है, और नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, प्रतीक बोरुने साइनिंग आउट।